नमस्कार, सुरु मित्रा चैरिटेबल फाउंडेशन मित्रा रोटी बैंक में स्वागत है आप लोगों को। और हम लोग पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल खाना खिलाने के लिए, और देख सकते हैं कि खाना हमारा शुरू हो गया है। और आज जो हमारे चीफ गेस्ट खाना खिलाने के लिए आए हैं वो बलराम सिंह यादव, जो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, वैसे में हम लोग बल्लू भैया बोलते हैं। और देख सकते हैं कि खाना बांट रहे हैं भैया। और इधर मैं आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि खाना लोग खा रहे हैं, और इधर लेडीज़ लाइन लगा हुआ है लंबा सा, और इधर दो जेंट्स लाइन लगा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कितना लंबा लगा हुआ है जेंट्स लाइन, और इधर लोग खाना खा रहे हैं। तो खाना का टेस्ट, खाना कैसा लग रहा है? बोल केन ब्लॉक बलंगीर, खाना बोल तो। खाना खा करके प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा, ठीक है? हाँ, तो खाना लोग खा रहे हैं इधर। और मौसा इधर, मौसा खाना बोल, लागूचे बोल खाना। तो मौसा खा रहे हैं खाना, और इधर लोग इधर खाना खा रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं बलराम सिंह यादव, जो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, बल्लू भैया, उनसे बात करेंगे। और आज ये हम लोगों के साथ तीसरी बार है, पहले भी खाना खिलाने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं भैया, और हम लोगों के साथ गर्मी के मौसम में शरबत पिलाने के लिए भी आए थे, और आज फिर हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए फिजिकली आए। फाइनेंशियली तो सपोर्ट मिल ही रहा है कंटिन्यू हम लोगों को। और भैया इधर दे रहे हैं चावल, दे रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग बात करेंगे अभी भैया से। और इधर सब भैया, जितने भी भैया के चाहने वाले हैं सब मिल रहे हैं। तो ऑलरेडी भैया खाना देने में बिजी हैं अभी। चलिए डायरेक्ट चलते हैं भैया के पास। भैया नमस्कार। भैया आज हमारे साथ ये तीसरी बार है आपका, इस बहुत कम समय में आप हम लोगों को तीसरी बार टाइम दिए इस एक साल डेढ़ साल में, और हम लोग बहुत खुशी हो रहा है। शरबत पिलाने के लिए आए, पहले भी खाना खिलाने के लिए आए थे, और आज फिर खाना खिलाने के लिए हमारे साथ आए। तो हम लोग बयान नहीं कर सकते उस खुशी को कि इतना जो हम लोग ये काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, हम लोग जो कर रहे हैं उस पब्लिक के लिए आप भी आ करके हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है। तो भैया आज क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक के लिए और जो खाना खिला रहे हैं हम लोग? सबसे पहले समस्तों को नमस्कार जुहार, और जी मैं बार बार आना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बुलाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ हर रविवार को आप लोगों को ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरी व्यस्तता ऐसी होती है कि मैं आ नहीं सकता, और यहाँ आने के बाद जो खुशी मुझे मिलती है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और मैं चाहूँगा ईश्वर से कि ये ता उम्र ऐसी जिंदगी भर चलता रहे और हम लोगों की सेवा करते रहे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। और जो कुछ भी करते हैं भैया आप लोग, आपको भी पता है कि सब पब्लिक फंड से चलता है, आप ही लोगों को फंड से चलता है। तो हम लोग जो आप लोगों का सपोर्ट लेकर के इसको कर रहे हैं, तो और भी जो हमें सपोर्ट करते हैं उनके लिए और पब्लिक को जोड़ने के लिए क्या बोल एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि एक अच्छा काम है जिसकी आपने शुरुआत किया है, और इस काम के लिए सबको जुड़ना चाहिए, और जिनसे जो सहयोग हो सके करना चाहिए, और आने वाले भविष्य के लिए मैं कोशिश करूँगा कि शहर के कुछ ऐसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए जो निरंतर इसमें प्रयास करें और सहयोग देते रहे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा मैसेज दिए भैया, और भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हैं भैया चावल दे रहे हैं, और इधर दादा लोग हैं। दादा आज भैया आए हैं खाना बांटने के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा है ना दादा, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है ना? चलिए भैया को पहचानते हैं ना बहुत अच्छे से। तो देख सकते हैं अभी सिक्योरिटी दादा लोग इधर खाना ले रहे हैं, सारे लोग भैया के माध्यम से सिक्योरिटी दादा लोग खाना ले रहे हैं। और इधर बहुत बड़ा लंबा लाइन, इधर लेडीज और इधर जेंट्स का लगा हुआ है। तो और इधर लोग खाना खा रहे हैं, और आइए जो मैडम आई हैं मैडम से ही बात करेंगे हम लोग। खपरा खोल से एक सरपंच जो रंजीता सोना मैडम आई हैं हमारे साथ जुड़ी है खाना खिलाने के लिए, और आज जो खट्टा दे रही हैं भिंडी और टमाटर का खट्टा, हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे साथ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फिजिकली टाइम दे रहे हैं, फाइनेंशियली दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बात करते हैं मैडम से कि मैडम को आज हमारे साथ जुड़ करके कैसा लगा, खाना बाटी कैसा लग रहा है? मैडम नमस्कार, और हमारे साथ आप आए फिजिकली सपोर्ट करने के लिए, खाना बांटने के लिए, कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आज पब्लिक के लिए? और अच्छा लगा, हम सब सरपंच जब थे तब भी हम उड़िया में बोलिए आप, अच्छा हिंदी बोलिए, सरपंच थे तब भी हम समाज सेवा करते थे, अपना समय समाज सेवा में ही निकालते थे, अभी हम दो तीन साल से जो सरपंच नहीं है एक सरपंच हैं अभी, तो इसमें भी हम चाहते हैं कि अपना जितना साल हो समाज सेवा में दें, लोगों को दें,
मुझे अंदर से सेटिस्फाई मिलता है। हम लोगों के लिए बहुत खुशी है, हो रहा है मैडम कि आप सरपंच थे तब तो, तब उस टाइम में पब्लिक को सेवा करते थे, और आज सरपंच ना होने के बावजूद भी आप पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं, समाज के सेवा में लगे हुए हैं, एक समाज का सेवा ही हो रहा है ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और जो कुछ भी करते हैं हम लोग पब्लिक फंड से करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट लेकर करते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो सबसे पहला मित्रा रोटी बैंक को धन्यवाद बोलना चाहेंगे क्योंकि हमको आज अपने साथ नून पीछे अच्छा ये भलाई का काम करने के लिए हमें लगा है, और हमको इस लायक समझे कि हम इस काम में आपका हाथ बढ़ा सके, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रा बैंक। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। और देख सकते हैं इधर मैडम खट्टा दे रही है, भिंडी खट्टा, और इधर सर भिंडी और टमाटो का भाजा दे रहे हैं, और मैडम इधर दाल दे रही हैं, दादा सब्जी दे रहे हैं, और भैया के माध्यम से चावल दिया जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं, जो खाना लोग खा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। खाना केनता लागू छे मौसा बोल लागू छे केन ब्लॉक ब्लॉक केन ब्लॉक बलंगीर खाना बोल तो प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा। हाँ मौसी खाना बहुत लागू छे, हाँ लेना होगा दूसरी बार लीजिएगा, और खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में, ठीक है मौसी। और इधर बच्चे लोग खा रहे हैं खाना, तो आइए थोड़ा सा बच्चे लोगों से बातचीत करते हैं, इनको खाना कैसा लग रहा है, खाना का टेस्ट कैसा है, खाना केनता लागू छे बहुत लागू छे बहुत लागू छे खाना केन ब्लॉक दादा कन्नामाल मतलब कन्नामाल डिस्ट्रिक्ट, अरे बाप रे बहुत दूर ना, यहाँ पर जो सेवा हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, चलिए ठीक है, सब सब पब्लिक का सपोर्ट है, और सब पब्लिक के सपोर्ट से ही करते हैं हम लोग, जितने भी बलंगीर के लोग हैं सब हमें सपोर्ट करते हैं, और बलू भी आए हैं वो हमें कंटिन्यूटी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और फिजिकली भी बीच बीच में आते रहते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। इधर दादा लोग खाना खा रहे हैं, मौसी दादा खाना अच्छा लग रहा है, और खाना खा के प्लेट को डस्टबिन फेंकिएगा, ठीक है ना, दूसरी बार लेना होगा लीजिएगा, और लेकिन प्लेट को डस्टबिन इधर उधर मत फेंकिएगा, ठीक है ना। कहाँ से हैं आप? बलंगीर से हैं, खाना अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। और इधर भी आइए मौसी खाना केनता लागू छे भल लागू छे केन ब्लॉक मौसी देवगांव दादा खान बोला खाना बोल लागू छे किन ब्लॉक देखा देख सकते हैं इधर, और इधर लाइन लगा हुआ है, जो जेंट्स लाइन लगा हुआ है, थोड़ा सा इसमें से ही बात करेंगे कि जो ये सेवा जो हम लोग सेवा कर रहे हैं भाई, ये मित्रा रोटी बैंक के द्वारा पब्लिक का सपोर्ट लेकर, कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, तो ये कैसा सेवा हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे, ये सेवा चलना चाहिए कंटिन्यू? दादा भी बोलना चाह रहे हैं, जो हम लोग सेवा कर, आपको ही पता है कि हम लोग गवर्नमेंट का कोई इसमें फंड नहीं है, कोई गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है, हम लोग पब्लिक का सपोर्ट लेकर, जो भी कोई दाल चावल पैसा देता है उनका सपोर्ट लेकर के हम लोग यहाँ पर एक पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, तो सेवा चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, बहुत अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमको तो खुश लग रहा है, खुश लग रहा है आप, आपको कैसा लग रहा है जो सेवा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं सब पब्लिक भी जो है इधर से भी थोड़ा सा, दादा जो ये सेवा हो रहा है अच्छा हो रहा है, कंटिन्यू होना चाहिए ना, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं ये खाना जो है दूसरी बार ले रहे हैं, और भैया का अभी चेंजिंग हुआ, अभी भैया भैया को ट्रांसफ़र किया गया, दाल पर भैया को ट्रांसफ़र किया गया है, और मैडम का भी ट्रांसफ़र हो चुका है, मैडम भी आ चुकी हैं, भिंडी और टमाटो का भजा है जो उस पर। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और देख करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, और आइए खाना केनता लागू छे मौसी बहुत लागू छे, लेना होगा तो दूसरी बार लीजिएगा मौसी, ठीक है, बस ठीक लागू छे ना, और लेना होगा तो ले लीजिएगा, वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, और खाकर प्लेट को डस्टबिन में, इधर भी लोग खाना खा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए आप लोग और देख करके शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, जितने भी सारे वीडियो लोग देख रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि कुछ सपोर्ट कर सकते हैं हम लोगों को, दाल से चावल से या फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ पैसे से कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट से ही हम लोग चलता है ये संस्था, और हम लोगों का खाना खिलाना। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं।
लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये करके लाइन बाई लाइन सब जा रहे खाना खाने के लिए। और उससे बात करते हैं। मौसी खाना कैसा लग रहा है? खाना कितना लगे छ? बहुत लगे छ। कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा ना। बीपी लोग भी अचमन बहुत लोग तो सेवन के बन के जदि नून बेसी हो गले ताको लाइक खराब है ना, इसलिए हम खाना खा नहीं का। खाना खा के प्लेट खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में डालिएगा। खाना कैसा लग रहा है दादा? अच्छा लग रहा है। कौन से ब्लॉक से है? मिथिला ब्लॉक। खाना अच्छा लग रहा है ना? और खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में डालिएगा दादा। मौसी खाना अच्छा लग रहा है? बहुत लग छे। अच्छा लग रहा है ना? हर संडे को यहाँ पर खाना खिलाते हैं हम लोग। पहले रेगुलर खिला रहे थे और आहार केंद्र खुलने के बाद लॉकडाउन में आहार केंद्र बंद था, फिर आहार केंद्र खुला तो उसके बाद संडे संडे को हम लोग खाना खिलाते हैं यहाँ पर। पब्लिक के सपोर्ट से ही होता है सारा कुछ। देख रहे हैं यहाँ पर सब एकत्रित होकर जो है सो खाना खा रहे हैं। खाना केंता लगे छो मौसा? हो लगे छो केंता ब्लॉक सैतला? दादा खाना कैसा लग रहा है? खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा। प्लेट खाना कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। खाना इधर देख रहे हैं सब, इधर खा रहे हैं लोग जो है सो खाना। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समिति सभ्य मैडम अपनी बेटी का हमारे यहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर उनकी बेटी जो है केक दे रही है सबको। खाने में हमारा जो आइटम है आप लोग देख सकते हैं, एक एक करके आप लोगों को दिखाना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है चावल दिया जा रहा है और यहाँ पर दाल दिया जा रहा है और यहाँ पर मिक्स सब्जी है और यहाँ पर साग है और इसके बाद चिप्स है और यहाँ पर केक दिया जा रहा है जो कि बर्थडे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर। और आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, इधर दिखाते हैं आप लोगों को। इधर आ रहे हैं सब, एक एक करके देख ही रहे हैं, सब आ रहे हैं। खाना कैसा लग रहा है दादा? अच्छा लग रहा है। कौन से ब्लॉक से हैं? कौन सा ब्लॉक है आपका? कमना। अच्छा कनुआपा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। खाना अच्छा लग रहा है ना? चलिए थैंक यू। अच्छा लग रहा है खाना दादा? और मिल जाएगा, दोबारा ले लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन वेस्ट नहीं करना है, जितना लीजिए मिलेगा, लेकिन फेंकिएगा मत खाना। बहुत मेहनत लगता है दादा इसके लिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए वेस्ट नहीं करना। दूसरी बार लीजिए, तीसरी बार लीजिए, दिया जाएगा। हाँ और ले लीजिए, एक बार दूसरी बार लीजिए। खाना अच्छा लग रहा है दादा? ले लीजिएगा और, ठीक है। खाना कैसा लग रहा है दादा? मौसा खाना कितना लगा छो? अभी नहीं खा रहे हैं। खाना कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है ना? खाना ले लीजिएगा, फिर मिल जाएगा दूसरी बार, ठीक है। खाना कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है ना? ले लीजिएगा खाना, फिर मिलेगा, ठीक है ना? हाँ बस खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, इतना थोड़ा सा समझना। और खाना का प्लेट को डस्टबिन में, इधर उधर नहीं।
खाना कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है? सब पब्लिक के सपोर्ट से ही चल रहा है। हम लोग जो मित्रा रोटी बैंक फाउंडेशन है, पब्लिक के सपोर्ट से करते हैं। हर संडे को यहाँ पर खाना खिलाते हैं हम लोग इसी टाइम में। खाना कैसा लग रहा है आपको? खाना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है दीदी खाना? ये खाना आप लोगों को पता है कहाँ से आ रहा है? सरकार दे रहा है? नहीं ना, नहीं, संस्था के द्वारा। सरकार कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, पब्लिक का सपोर्ट लेकर के हम लोग खाना खिलाते हैं यहाँ पर फाउंडेशन के माध्यम से, सुरु मित्रा चैरिटेबल फाउंडेशन, मित्रा रोटी बैंक के माध्यम से खिलाते हैं खाना यहाँ पर हम लोग। खाना कैसा लग रहा है दीदी आपको? अच्छा लग रहा है? खाना अच्छा लग रहा है तो और जाकर लीजिए, उतना ही भर लीजिए जितना खाएंगे, ठीक है ना? हाँ, खाना को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दीदी, खाना खिलाने के लिए। और सब, हाँ, खाना कैसा लग रहा है छोटू तुमको? अच्छा लग रहा है, और ले लेना, ठीक है? छोड़ना शुरू कीजिए चीनी मैडम, देना शुरू कीजिए, इधर से दीजिए, इधर से भी। चले छोड़ना शुरू कीजिए। दीदी सबको मिल के करना है दादा इसको। लाइन में उसका लाइन 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 लगोन। दीजिए उनको। खाना कितना लागो छो? आप नहीं खा रहे हैं, आप नहीं खाएंगे? खाइए आप, आज खा रहे हैं वो हमसे बाबू खिला रहे हैं सिर्फ। खाना अच्छा लग रहा है? कौन से ब्लॉक से हैं दादा? कलहंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं। खाना कैसा लग रहा है दादा? अच्छा लग रहा है ना? दोबारा भी मिलेगा, ठीक है ना? बस खाना वेस्ट नहीं करना है, बहुत मेहनत करके लाते हैं इसीलिए। कम लीजिए, दूसरी बार लीजिए, तीसरी बार लीजिए,
और लीजिए जितना लेना है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है दादा, थोड़ा सा भी खाना खा के प्लेट डस्टबिन में फेंकना है। कौन बाबू का? ए बाबू बोले खाना केनता लगुच मौसा दीदी उतर 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 भल लगुच केनता ब्लॉग आपन कर अच्छा बैठिए भाजरे और लेंगे दाल तो ले लीजिए और अच्छा खाओगी खाना? चलो जाओ प्लेट में ले लो, उधर प्लेट में मांग लो। जी जब बाहर से।
उधर लाइन में, लाइन में उधर लेडीज लाइन है, उधर लेडीज में लाइन में चले जाइए। फिर दोबारा लीजिए, तीन बार लीजिए, लेकिन फेंकना नहीं, बर्बाद नहीं करना दादा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसके लिए ना, इसीलिए। तो खाइए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए और बताइए। उधर सर लाइन में लगना पड़ेगा। खाना का टेस्ट कैसा है? मौसम है। अच्छा है, अच्छा है। कौन से ब्लॉक से हैं? ब्लॉक आपका कौन सा है? खुईताला ब्लॉक। चलिए ठीक है, अच्छा है ना? अच्छा है, अच्छा है ना। देखिए गिरेगा, खाना केंता लगा समोसा बोल लगा छो। कौन से ब्लॉक से? ब्लॉक अपन कलांडी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बाप रे बाप, चलिए अच्छा लग रहा है ना खाना? आराम से बैठ जाइए, और लेना होगा तो और लेना होगा तो और लीजिए। खाना अच्छा लग रहा है दादा? खाना अच्छा लग रहा है ना? खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि उधर उधर नहीं फेंकना है। और खाना लेना होगा तो फिर ले लीजिएगा, दोबारा तीसरी बार लेना है, बस बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत लगता है ना दादा इसके लिए, क्योंकि इसके लिए हम लोग जाते हैं दूसरे के पास, फिर डोनेशन लाते हैं, उसके बाद यहाँ पर करते हैं हम लोग। नहीं बोलना जरूरी है।
खाना कैसा लग रहा है? अच्छा है टेस्ट? और लीजिएगा और प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा, ठीक है ना? दूसरी बार लीजिए, तीसरी बार लीजिए, लेकिन बर्बाद नहीं। अच्छा लग रहा दादा? खाने के बाद प्लेट डस्टबिन में दादा, दादा अच्छा लग रहा। खाना का टेस्ट अच्छा लग रहा है। आप प्लेट को कहाँ फेंकेंगे? हाँ डस्टबिन में, इधर उधर नहीं। अच्छा लग रहा है ना खाना? प्लेट को डस्टबिन में फेंकना है। अच्छा लग रहा दादा खाना? चलो ठीक है, थैंक यू। टेस्ट कैसा है दादा खाना का? अच्छा लग रहा है ना? कौन सा ब्लॉक है? कंटा माझी, कंटा माझी, खपरा खोल से हैं। खाना अच्छा लग रहा है ना? ठीक है ठीक है, और ले लीजिएगा। हाँ और ले लीजिएगा, लेकिन प्लेट को डस्टबिन में खाने के बाद, ठीक है ना? इधर उधर नहीं, उधर प्लेट डस्टबिन है, उधर ही फेंकना है। खाना खाने के बाद प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा दादा, ठीक है ना? इधर उधर नहीं फेंकिएगा प्लेट को। और लेना है और ले लीजिएगा। अच्छा लग रहा है ना? उधर उधर डस्टबिन है, उधर देखिए सामने दिख रहा है उधर। हाँ और मिलेगा, दो बार तीन बार चार बार मिलेगा, बस खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए दीदी, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। लोगों को सपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, लोगों से हम लोग डोनेशन मांगने के लिए जाते हैं, तब लाकर खाना पहुंचाते हैं यहाँ पर हम लोग। ये कोई हमारा पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक हमें सपोर्ट करता है, सरकार भी नहीं इसलिए इसके लिए हमें देता है। तो जाहिर सी बात, हम चाहेंगे ना कि एक एक दाना बर्बाद ना हो, क्योंकि हम मेहनत करते हैं उसके लिए, मेहनत करके जाते हैं, दूर दूर जाते हैं डोनेशन मांगने के लिए। कोई चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई पैसा देता है, कोई सब्जी देता है, कोई तेल देता है, तब जा कर के यहाँ पर हम लोग खाना पहुँचा पाते हैं, ठीक है ना? जो बात है, खाना अच्छा लग रहा है ना? अच्छे से पकड़ लो। हाँ और लेना होगा ले लेना, ठीक है ना? हाँ बस प्लेट को डस्टबिन में फेंकना और बर्बाद नहीं करना खाना। खाना कैसा लग रहा है मौसा? अच्छा लग रहा है? हाँ दूसरी बार ले लीजिएगा, फिर लेना होगा तो, ठीक है ना? क्योंकि देखिए दूसरी बार लीजिए, तीसरी बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम बस यही, ठीक है। अच्छा लग रहा है मौसा खाना? ठीक है ओके मौसी, खाना भल। अच्छा लग रहा है मौसी खाना? भल तो खाना, खाना खा लीजिएगा फिर ले लीजिएगा, लेना होगा तो, ठीक है ओके। खाना कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग, सुपर, एक नंबर। कहाँ से आए आप, कौन से ब्लॉक से? गांधीनगर पड़ा। अच्छा गांधीनगर पड़ा, अच्छा लग रहा है ना खाना? एक नंबर खाना। हर यहाँ पर आते हैं हम लोग हर संडे को, एक सपोर्ट करने के लिए, सेवा करने के लिए हम लोग रोटी बैंक से, मित्रा रोटी बैंक के द्वारा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये पब्लिक का सपोर्ट से ही ये होता है, ये नहीं कि हमारा ये है, बस हम लोग एक माध्यम है, पब्लिक हमें सपोर्ट करता है, पब्लिक ही हमें देता है, तो हम लोग यहाँ पर कर पाते हैं, यहाँ पर सरकार का भी नहीं है। ठीक है।
देख रहे हैं आप लोग, हम लोग खाना खिलाने के लिए पहुंच चुके हैं और लाइन लगा हुआ है और खाना खिलाना शुरू भी कर दिया गया है। यहाँ पर चावल और यहाँ पर मिक्स वेज है और टमाटो खट्टा है यहाँ पर, और उसके बाद आलू साग है और यहाँ पर ट्रायंगल चिप्स दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इधर जो है जेंट्स का लाइन जो है लगा हुआ है। दादा ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, उधर यहाँ पर रहेंगे तो भीड़ होगा, फिर उधर ऊपर बैठ जाइए आप लोग। दीदी दीदी ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए। देख रहे हैं इधर लेडीज जेंट्स का लाइन है और इधर जो है एक लेडीज का लाइन लगा हुआ है और इधर भी लेडीज का लाइन लगा हुआ है। देख रहे हैं दो साइड, और इधर है जो लोग खाना खा रहे हैं और तो देख सकते हैं, और जो कुछ भी हो रहा है आप ही लोगों के सपोर्ट के बदौलत हो रहा है, आप ही लोगों का सपोर्ट है। और इधर जो है हमारे आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो खाना खिलाने के लिए आए हैं, हमारे पीपी एकेडमी एचएम सर हैं और चावल दे रहे हैं। सर से हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ा सा। सर पहले भी आए हैं हमारे यहाँ खाना खिलाने के लिए और सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, इनका सपोर्ट हमारा जो है यहाँ पर हम लोग खाना खिला पाते हैं, सर का सपोर्ट है और कंटिन्यूटी सर सपोर्ट कर रहे हैं हमें। और आज सर को कैसा लग रहा है आ करके? ऑलरेडी सर तो आते ही हैं खाना खिलाने के लिए, सर से बातचीत करते हैं, सर बताएंगे थोड़ा सा। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर। सब ये कार्यकर्ता को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समाज में। उड़िया सर, उड़िया उड़िया उड़िया। रोटी बैंक समस्त कर्मकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, जहा हो से बहुत भल कम कर रही पार्लिनी, तेना मुत चेषा चलती आर्थिक एवं शारीरिक साहय करने मुझे प्रस्तुत अच्छी, आने को भी अनुरोध ये भल कम आसिक सहयोग कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद हमको नहीं सर, धन्यवाद आपको भी देना है, क्योंकि आप आए और आप यहाँ पर आ करके हम लोगों को फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली के साथ साथ आप फिजिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपका सर सपोर्ट है, फाइनेंशियली सपोर्ट है, उस सपोर्ट से हम लोग इतने सारे लोगों को जो है खाना खिला पा रहे हैं। तो हम लोग सर बहुत खुश हैं आपसे और आपकी मदद से, और फिजिकली जो सपोर्ट करें उससे भी हम लोग बहुत खुश हैं सर, और आगे भी आते रहिए सर खाना खिलाने के लिए, बस यही चाहेंगे। और देख रहे हैं इधर जो है हमारे सर जो है यहाँ पर सब्जी लेकर के बांट रहे हैं। सर से ही बातचीत थोड़ा सा करते हैं। बताइए सर, आपको आज खाना खिला के कैसा लग रहा है? सर के साथ आज पहली बार सर के साथ खिला रहे हैं शायद। हाँ, ये पहली बार है मेरा दफा सर के साथ खाना खिलाते हुए। सर अच्छा लग रहा है सर के साथ? तो सर तो हमेशा सपोर्ट करने के लिए आगे रहे हैं और आगे रहेंगे भी, अभी ये तो कुछ नहीं है, सर के साथ अभी शुरुआत है। और सर के जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, सर बोले हैं खुद लेकर मैं आऊँगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर है हमारे ऑटो दादा वाले, जो कि इनके मदद से जहाँ पर हमारा खाना बनता है वहाँ से अगर यहाँ पर पहुँच पाता है तो ये दादा लोगों का मदद है। दादा लोग अपने ऑटो में खाना रखते हैं और लेकर के यहाँ पर आते हैं, तब हम लोग फिर खिला पाते हैं। तो दादा लोगों से भी थोड़ा सा बात करेंगे कि दादा लोगों को कैसा लगा आज खाना बांट के यहाँ पर। दादा बताइए थोड़ा सा, अपना नाम भी बताइए और बताइए खाना बांट के कैसा लगा। मेरा नाम रिंकू है, खाना बांट के अच्छा लगता है, संडे में हम रोज आते हैं। चलिए थैंक यू सो मच दादा, आप बताइए। आपका नाम खुशराम मनाहिरा, कैसा लगा खाना बांट के आज? अच्छा है। चलिए, और यहाँ पर आप लोग तो जानते ही हैं मैडम यहाँ पर आज चिप्स दे रही हैं, आज इनको चिप्स देने का ड्यूटी लगा हुआ है। और इधर जो है पब्लिक इधर है जो लाइन में है, और इधर खाना जो है लोग खा रहे हैं। भैया थोड़ा सा बात कर लेते हैं, खाना कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा। कौन से ब्लॉक से हैं? मितला ब्लॉक से। खाना अच्छा लग रहा है दादा? थोड़ा सा और लोगों से बात कर लेते हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग। खाना कैसा लग रहा है दादा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कौन से ब्लॉक है आपका? मुरीबहाल। मुरीबहाल से आए हैं। हाँ। खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में डालिएगा दादा, वहाँ पर हाथ धोने जाएंगे तो वहाँ पर डस्टबिन है।
खाना कैसा लग रहा है दीदी? खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में डालिएगा। खाना कैसा लग रहा है दादा? अच्छा लग रहा है। ब्लॉग कौन सा है आप लोगों का? सैंतला ब्लॉग से है। थैंक यू सो मच। खाना अच्छा लग रहा है दादा? थैंक यू सो मच दादा। खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में डालिएगा, इधर उधर मत फेंकिए। उधर खाना अच्छा लग रहा है दादा? बहुत अच्छा। कौन सा ब्लॉक है? शीतलागढ़ से है। मौसी खाना केनता लागू छे? भल लागू छ? केनता ब्लॉक मौसी ब्लॉक? चलिए मौसी, लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। इधर जो है खाना दिया जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। इधर जो है लाइन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जेंट्स लाइन एक तरफ, लेडीज लाइन जो है। चलिए अभी तो शुरू तो कर रहे हैं। ये भी बाबू का ड्रेस है। हाँ? छोटा बच्चा को दे दे। धर दो एक कर। बागा पान दे। दे और लड़की के लिए। ये छोटा बच्चे का। हाँ वो लड़की के लिए दे दे। इसका बेटा। देखिए ये छोटा बच्चे का। तुम्हें लगेगा बेटा वो? ये पेट घुटे वैसे बहुत दे देते।
दीदी एक बार रुकिए दीदी पांच दिन निकाल लेंगे ले मोसे पांच दिन ले लो मोसे ले लीजिए ये पांच दिन मोसे जींस दे दीजिए ले लीजिए मोसे जींस पहन मोसे जींस पहन इधर क्या है नहीं नवा नहीं को बात देखो हम हमें बुझ चु नहीं सर ये लड़की लड़का है सर कोई लड़का हो या लड़की पहन तो ही लेगा उसको कोई तरीके तक नहीं दे दीजिए इसी को सब उठाइए इसमें वो भी है बदमाश अब दीजिए बोल तो अच्छा लग रहा है ना आज उस दिन बोले थे ना जिस दिन खाना हम लोग लेकर आए थे क्या बोले थे कि कपड़ा लेकर के आएंगे आज कपड़ा लेकर के आए हम लोग क्या मैं जिंदा किया क्या खाना खा लो खाना खा लो मेरे को पहुंच जाओ खाना खा लो जन बोलो हाथ खा लो नहीं मने नहीं हाथ खा लेना तो उस दिन बोले थे ना कपड़ा लेकर आएंगे देखिए कपड़ा लेकर के आए हैं आज हम लोग नहीं देखिए आप लोग अच्छा अच्छा कपड़ा आया है हाँ देखिए तो ये क्या है सूट है ग्राउन है क्या है मोर मत शुबार अच्छे बाबा मोर खाना के लगे दादा बोलो के खाना दादा और खाना कौन घर भी आ गया घर भी आ अरे गाड़ी उधर इधर जो शरबत कैंपेन हमारा चल रहा है यहाँ पर रोड पर रोक रोक करके यहाँ पर पब्लिक को यहाँ पर जो है सो हम लोग शरबत दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर शरबत हम लोगों का पिलाया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं। तो नमस्कार सुरु मित्रा चैरिटेबल फाउंडेशन एक न्यू ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और हम लोगों का शरबत कैंपेन शुरू हो चुका नया सेशन 2023 में और आज रामनवमी है और रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लोग शरबत यहाँ पर दे रहे हैं जो कि विक्रम चौक यहाँ पर दुर्गा मंडप है यहाँ पर शरबत कैंपेन आज लगा हुआ है रामनवमी के शुभ अवसर पर आज हमारा फर्स्ट कैंपेन है शरबत का। तो आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का आशीर्वाद आप लोग सपोर्ट कीजिए आशीर्वाद दीजिए कि लोग हम लोगों को सपोर्ट करें और हम लोग शरबत खाना कपड़ा चावल दाल जिसको जो ज़रूरत होता है उनको हम लोग सपोर्ट करते रहते हैं। तो सपोर्ट करते रहिए आप लोग आइए थोड़ा सा टेस्ट जानते हैं शरबत कैंता लागू छो बाबू
केन लागो छ शरबत भल लागो शरबत कैसा लग रहा दादा अच्छा लग रहा है शरबत चलो ठीक है थैंक यू सो मच और लेना होगा तो लीजिएगा ठीक है ना और डस्टबिन में डालिएगा ले शरबत लो इधर लो शरबत लो आइए पूछते हैं शरबत कैसा लग रहा है आप शरबत पिए आप नहीं पिए शरबत आप पिए अच्छा चलिए आप शरबत पीजिए आप पीजिए देख सकते हैं रोड इधर चारों तरफ से लोग आ रहे हैं शरबत पीने के लिए शरबत कैसा लग रहा है दादा बहुत अच्छा लग रहा है आज रामनवमी है रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लोग आज शुरुआत किए हैं शरबत पिलाना फिर आगे कंटिन्यू रहेगा ऐसे खाना भी खिलाते हैं हम लोग कपड़ा भी से भी सपोर्ट करते हैं सब पब्लिक की सपोर्ट से ही करते हैं मौसी शरबत कैंता लागू छ अच्छा लग रहा है शरबत चलिए ठीक है थैंक यू सो मच ओहो ये जो है हमारे दादा की मम्मी है और चलिए आइए शरबत बांटिए पहले इधर से आइए उधर से आइए उधर से आइए उधर से आइए पता नहीं था ये तो शरबत बांटेंगी मौसी उधर से उधर से उधर से आइए शरबत देख रहे हैं आप लोग दादा हाँ लीजिए शरबत लीजिए दादा लीजिए शरबत लीजिए तो शरबत बांटना शुरू कर दिए हैं मौसी शरबत का टेस्ट तो अच्छा लगा और शरबत बांट के कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना चलिए ठीक है थैंक यू सो मच और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है सो रोड साइड जितने भी सारे लोग हैं सब आ रहे हैं शरबत पिए दादा अच्छा लगा टेस्ट दादा शरबत पीजिए आइए हाँ अच्छा अच्छा हाँ चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर चलिए आइए और टेस्ट अच्छा लगा शरबत दादा लीजिए और लीजिए उधर से अभी जो देख रहे हैं डस्टबिन हमारा जो है फुल हो गया है तो उसको रखा जा रहा है पैकेट में जो है पैकेट में रखा जा रहा है और रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है हमारा शरबत कैंपेन चल रहा है और बहुत देर हो गया हम लोगों को पिलाते हुए यहाँ पर शरबत और पब्लिक कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं शरबत पी रहे हैं आज रामनवमी है और राम का नाम लेकर के हम लोग शरबत का आज कैंपेन शुरुआत कर दिए हैं कंटिन्यू आगे हमारा शरबत कैंपेन चलेगा और खाना खिलाना जो है हमारा कंटिन्यू चल रहा है और सर भी शरबत पिलाने के लिए आए और पहले टेस्ट लिए शरबत का टेस्ट कैंता लागू छ सर एकदम बढ़िया बढ़िया तो और लीजिए थोड़ा सा एक गिलास चलिए शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा लगा सर को और शरबत आप पी लिए सर आप पिलाएंगे चलिए आप पिलाइए शरबत तो इधर आइए थोड़ा सा बात करते हैं शरबत टेस्ट कैसा लग रहा है दादा मीठा है तो मिठा है ना चलिए ठीक है सब पब्लिक सपोर्ट कर रहा है पब्लिक के सपोर्ट से ही हम लोग सब जितने सारे लोग हैं सपोर्ट करते हैं उन्हीं के मदद से हम लोग यहाँ पर शरबत पिलाते हैं और कंटिन्यू सबका सपोर्ट है फाइनेंशियली हो फिजिकली हो सब सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं सब पहुँचे भी हैं गौरव भैया शरबत मतलब पूरा एकदम बढ़िया लोग थके नहीं है ना शरबत बांटते वक्त थके नहीं है ना नहीं थके पी रहे हैं दो बार तीन बार पी रहे हैं हाँ भी है चलिए ठीक है दादा थके नहीं है ना नहीं शरबत पिए तो पी लिए टेस्ट आपको कैसा लगा दादा को बहुत अच्छा लगा जय श्री राम दादा तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कंटिन्यू तो देख सकते हैं आप लोग जो है सो
और शरबत केनता लगुच बाबू बोल ठंडा तो मीठा अच्छा गुड 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 शरबत भल लगुच नहीं भल नहीं भल तो चलो अच्छा बढ़िया। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है इधर से लोग आ रहे हैं धूप में खड़ा हो करके यहाँ पर जो है सो पब्लिक को रोक रोक करके जो है सो शरबत पिलाया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं सबको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दादा शरबत गिनता लागू छ एक नंबर पिए तो चले ठीक है एक गिलास की दो गिलास तो और पीना चाहिए ना अंकल कैसा शरबत लग रहा है। चलिए पब्लिक का सपोर्ट है सब सपोर्ट करते हैं सबका सपोर्ट से हम लोग करते हैं यहाँ पर सब सेवा कर रहे हैं। एक हम लोग रामनवमी के शुभ अवसर पर शुरू किया आज हम लोग फिर आगे कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा हाँ कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए देखिए आप लोग जो है सो शरबत अच्छा लग रहा है दादा। चलिए देखिए शरबत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा और कंटिन्यू आज से शुरू हो गया हम लोगों का शरबत पिलाना और खाना खिलाना भी हमारा जो है उधर कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आप लोग जितना जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए शरबत बोल लागू छे दादा। केन ब्लॉक अपन कर बरपाली ब्लॉक बरपाली बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ है दादा का। अच्छा काम दादा यहाँ पर करते शुरू मित्रा चैरिटेबल फाउंडेशन ओपन कर लीजिए एक बार। तो इस वीडियो को जितना जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए लोग क्योंकि लोगों को जानकारी होगा हमारे फाउंडेशन के बारे में तो लोग आएंगे सपोर्ट करेंगे और ये जो हमारा फाउंडेशन है एक दूसरे के सपोर्ट के माध्यम से ही हमारा फाउंडेशन चलता है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे आगे आप लोगों से शरबत पिलाते हुए खाना खिलाते हुए किसी को सपोर्ट करते हुए हम लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। चलिए आगे मिलते हैं फिर। नमस्कार सूर्य मित्रा चैरिटेबल फाउंडेशन मित्रा रोटी बैंक में आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग्स में और आज जो है रामनवमी है 2023 और आज हम लोग फर्स्ट हमारा शरबत कैंपेन लगा है जो कि विक्रम चौक पर लगाया गया है शरबत कैंपेन और ये जहां पर दुर्गा पूजा होता है वहीं पर हमारा है शरबत कैंपेन लगाया गया है और आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग हैं शरबत पी रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए लोग सपोर्ट करें। आप लोग देख सकते हैं इधर लोग हैं जो सो इधर शरबत पी रहे हैं सब आ रहे हैं पीजिए मौसी शरबत देख सकते हैं और सब जो है हमारे सर लोग आए हैं शरबत पिलाने के लिए मैडम भी आई हैं और इधर जो है दादा भी आए शरबत पिलाने के लिए। सब लगे हुए हैं सेवा में सब लगे हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि आज जो है हमारा फर्स्ट कैंपेन शरबत का और शरबत सर लोग आए यहाँ पर आज रामनवमी के दिन के शुभ अवसर पर और फर्स्ट कैंपेन हम लोगों का सर लोग शरबत पिला रहे हैं। तो सर लोगों को कैसा लगा आज यहाँ पर सर नमस्कार आज तो रामनवमी है सर और आज शरबत पिलाने आए और कैसा लग रहा है सर उड़िया में बताइएगा। हाँ सर उड़िया में चलिए मैडम से बात करते हैं। नमस्कार मैडम आज रामनवमी है और आज हमारा शरबत का फर्स्ट कैंपेन है रामनवमी के शुभ अवसर पर शुरू किया हम लोग और आप आए हम लोगों के साथ सपोर्ट करने के लिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज सेवा करके आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उड़िया में बोलिए बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और देख रहे हैं मैडम जो है शरबत दे रही हैं और सर जो है ग्लास दे रहे हैं। आइए थोड़ा सा बाबू भी आया है
यहाँ पर शरबत बांट रहे हैं, कैसा लग रहा है? मस्त ना? मस्त लग रहा है बाबू को भी। और यहाँ पर है गौरव भैया, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। और बताइए, रामनवमी के शुभ अवसर पर आज शरबत बांटा जा रहा है, कैसा अच्छा लगा लोगों को पानी पिला के? आप तो कम से कम उड़िया में बोलिए, हमको तो नहीं आता है उड़िया। अच्छा लग, बहुत बहुत बढ़िया लगा लोगों को पानी पी गिरी। हाँ। नवमी दिन दही पानी दे गिरी लोग, बहुत लगा। और लोग आए शरबत पिए, आएंगे और खाना खिलाना भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, चलेगा जलवा जलवा। चलिए आए हैं सर भी, आए हैं यहाँ पर। सर नमस्कार। और बताइए सर, यहाँ पर सेवा करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर को भी। सर आए हमारे साथ सेवा करने के लिए। और यहाँ पर हमारे बड़े भैया जो है, आप छोटू नहीं इनको तो दादा, हम सुमो दादा बोलते हैं कंटिन्यू, ठीक है? सत्यव्रत दादा ऐसा नाम है, लेकिन सुमो दादा सब हमारे टीम के सुमो दादा बोलते हैं इनको। तो दादा नमस्कार। नमस्कार। बताइए आज शरबत बांट के कैसा लगा? 2023 का फर्स्ट कैंपेन हम लोगों का शरबत का, रामनवमी के अवसर पर हम उड़िया 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 रामनवमी रामनवमी अवसर रहता है, शरबत दिया हो बहुत भल लगे दवा लगी। और जेन प्रकार खरा हो निहाती दरकार समस्त को, ठीक अच्छे? तो समस्ते आसुन, इटा आम रेगुलर प्रोग्राम भी चलवा, प्रति दुदिन चार दिन पांच दिन फेर महावीर जयंती अच्छे जी, ठीक अच्छे? महावीर जयंती फेर गोटे भेन्यू आपको जना हा जी। थैंक यू सो मच दादा। तो देख रहे हैं इधर सब, इधर शरबत बांट रहे हैं और शरबत पीने के लिए लोग इधर से आ रहे हैं, जो हमारा विक्रम चौक है यहीं से, यहीं पर शरबत पिलाया जा रहा है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं शरबत का टेस्ट। दादा नमस्कार, शरबत का टेस्ट कैसा है बताइए? अच्छा है शरबत का टेस्ट। कहाँ से हैं आप? बलंगीर से हैं। शरबत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो शरबत और लीजिए। अच्छा लग रहा है शरबत? अच्छा 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 अच्छा। हाँ आज रामनवमी है ना, तो रामनवमी के शुभ अवसर पर शरबत हम लोग बांट रहे हैं। बाकी सब हमारा ये हमारे फैमिली मेंबर सब शरबत पिलाने आए हैं, और देख सकते हैं आप लोग। मौसा शरबत शरबत पिए आप? अच्छा लगा शरबत? बढ़िया ना? चलिए ठीक है, उधर ग्लास उधर, शरबत पीकर दादा ग्लास को उधर डस्टबिन रखा गया, डस्टबिन में डालिएगा, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं इधर, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और फिर हमारा जो खाना खिलाने का प्रोग्राम है वो भी चलेगा, तो उसमें भी हम लोग शरबत बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। मीठा है ना? मीठा ठंडा है? ठंडा है, मीठा है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन से ब्लॉक से हैं? कौन से? यही पर ब्लॉक। अच्छा अच्छा अच्छा। बोल मौसा शरबत बता, शरबत कैसा लगा? ठंडा है? ठंडा। मीठा? मीठा। चलिए ठीक है, आज रामनवमी है ना, इसलिए आज हम लोगों का कैंपेन। ऐसे हम लोग खाना खिलाते हैं कंटिन्यू दोपहर में, इधर गर्मी का मौसम में शरबत भी बांटते हैं, तो आज से शुरू हो रहा है हम लोगों का शरबत बांटना भी। आप लोगों को पता ही है कि हमारा खाना खिलाना कपड़ा बांटना लोगों को सपोर्ट करना चलता रहता है, तो इधर हम लोग शरबत कैंपेन आज का चल रहा है और इधर लोग शरबत बांट रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग शरबत लोग पी रहे हैं। शरबत मीठा है दादा? दादा शरबत केंता लागो छ? बढ़िया लग रहा है। मीठा मीठा अच्छा है ना? पी करके डस्टबिन में डालिएगा। शरबत अच्छा लग रहा है सर? मीठा है ना? ठंडा? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो सर अब सर से थोड़ा सा पूछते हैं, सर का कैसा है सर टेस्ट? मजा एकदम ना? चलिए सर को भी बहुत मज़ा आया शरबत पी करके। ऑलरेडी सर सर मैडम सब हमें कई सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, खाना खिलाना शरबत बांटना कपड़ा बांटना हर चीज़ों में। और इधर जो है गौरव भैया भी है, शरबत पिए आप भैया? कैसा टेस्ट था? बहुत बढ़िया, गाढ़ा है ना पूरा? चलिए ठीक है दादा। ऑटो वाले दादा आप लोग बताइए, आप लोग का टेस्ट कैसा लग रहा है शरबत? आप लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को खाना पहुँचाने में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप लोग जुड़े रहिए और फिर आगे हम लोग मिलेंगे, शरबत बांट रहे हैं और कंटिन्यू कहीं ना कहीं मिलेंगे हम लोग खाना खिलाते हुए कपड़ा बांटते हुए शरबत बांटते हुए फिर अगले ब्लॉग में। कर शुरू मित्रा चैटरल फाउंडेशन मित्रा रोटी बैंक में आप लोगों का स्वागत है। और
आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लोगों का शरबत कैंपेन लगाया गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा जो होता है खाना खिलाना कंटिन्यू हमारा चल रहा है, चलते आ रहा है। शरबत पिलाना, जो पिछले साल हम लोग शरबत पिलाए थे, हम लोग हर गर्मी के मौसम में हम लोग शरबत पिलाते हैं और आज हमारा फर्स्ट कैंपेन है इस गर्मी के मौसम के लिए। रामनवमी के शुभ अवसर पर शुरुआत की है हम लोग और यहाँ पर जो है सो देख रहे हैं। शरबत केनता लागू छ मौसा, भल लागू छ? ठंडा तो मीठा, तो मीठा लग रहा है ना? केन ब्लॉक अपन कर? बलांगीर ब्लॉक। बलांगीर, चलिए ठीक है, बलांगीर ब्लॉक से हैं, कुछ लोग अलग ब्लॉक से हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। दादा टेस्ट कैसा है शरबत का? कौन सा ब्लॉक है? बसिंगा ब्लॉक से। शरबत अच्छा लग रहा है ना? और लीजिएगा, ठंडा है तो दीदी? ठंडा है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इधर है बाटी, बाटी उधर। दादा जो है आए हैं, इधर आप लोग देख रहे हैं सब शरबत। देख रहे हैं शरबत कंटिन्यू पी रहे हैं लोग, शरबत पीने के लिए आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोई बाइक से, कोई कार से, कोई पैदल, कोई साइकिल से, आप लोग देख सकते हैं सब रुक रुक करके यहाँ पर शरबत पी रहे हैं। और यहाँ पर शरबत जो है हमारा चल रहा है। शरबत दादा पिए? शरबत अच्छा लगा तो शरबत ठीक है। शरबत मीठा है सर? ठंडा है तो? जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्री राम के दिन ही आज किया गया शुरुआत हम लोगों का शरबत कैंपेन। और आगे आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट हम लोगों को कीजिए कंटिन्यू। और हम लोग पब्लिक के सपोर्ट से ही करते हैं, आप लोग भी पता है। फिर मिलेंगे हम लोग कोई नए ब्लॉग्स में। खोटा खाए बन लो कहीं बोले आइसक्रीम कौन को लगे? आइसक्रीम केंदा लगू छे? भल लगू छे? केनु आई छो? केनु आई छो? हैं इनूर केन गा? दादा खाना केंदा लगू छे? भल लगू छे? केन ब्लॉक रोई छे दादा? हैं कंडमल हमर बोर्ड डिस्ट्रिक्ट। आज जदि खाइबे बोले नहीं आसबे मागी जी भेला आ खाई करे डस्टबिन पकाबे। दीदी खाना केंदा लगू छे? भल लगू छे? जदि यार खाइबे बोले नहीं जीवे हेला ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏଇଟା। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଚାରିଟା ଜାଗାରୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। लेकिन फिजिकली टाइम नहीं मिलता है, बस यही शिकायत का है।
मौसी खाई साल केंदा लाल भल लगे के खाना खाई करी किने डस्टबिन पकाबे हला जाई करी यार सानी पकाबे खाबे ताले हो डबल खाबे ले नी जिबे ओ पानी बोतल ए पानी बोतल पानी बोतल ओ पानी बोतल मारिए तो उसको मारिए तो बदमाशी कर रहे धीरे धीरे କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଖାନା ଖାଇକରି ହେନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ପକାବ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ବି ନେଇଯିବ ଡବଲ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହେଲେ ନେଇଯିବ ହଁ खाना केंदल लगुचे हाँ किसी कमी अच्छे खाई डस्टबिन पकाबे हला यार सैंड नहीं पकाबे अमर यहाँ डस्टबिन अच्छे देख यहाँ डस्टबिन जा पकईदे यार सैंड नहीं पकाबे यार सैंड पकाले गाली देवे बुझले दादा भल लगे आर जदि खाबार अच्छे बोले भी नहीं जी কেন আসিছ কেন গাঁ রে ভালি খানা কেন লাগুছে ভাল লাগুছে আর খাইব আর খাইব বলে মাগি যাব হ্যাঁ কার সঙ্গে আইছ মার সঙ্গে আইছ কানটা ভাল লাগুছে সব ভাল লাগুছে बाबू तुम ना कहना तुम ना कहना ओ खाना केंदा लगुचे बाप बेटा केंदा लगुचे आप खाइए বাবা ভাল লাগছে চল বাবা আগে চল আগে চল দিদি ଚାମଚ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଇଏ କରିଦମା ଚାମଚ ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପିଟନ୍ ଦାଦା ଠିକ
चामच टाइम दिया तुम से दादा टिके रुकी लागो दादा टिके रुकी लागो खाना चल रहा है लाइन में अपना लोग आ रहे हैं लग रहे हैं और पूरा हम लोग छाव का व्यवस्था किए हैं कि छाव में लोगों को खाना खिलाया जाए। अंकल आज तो छाव में कर दिया हम लोग चेंज कर दिए हैं। अच्छा हुआ ना आज क्या धूप हो गया है ज्यादा उधर भी मतलब कि जिधर लाइन लगता है तो धूप हो गया है इसलिए छाव में आज कर दिया गया ना। इधर भी लोग खा रहे हैं। आइए थोड़ा सा टेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। खाना कैसा लगा दादा बल्ला कुछ खाना आप खाए खाना कैसा लगा? खाना अच्छा लगा। कौन से ब्लॉक से हैं आप? बलंगीर से हैं। जो यहाँ पर किया जा रहा है सेवा अच्छा हो रहा है ना कंटिन्यूटी? चलिए ठीक है। हाँ उधर मिल जाएगा ले लीजिएगा जाइए इधर आइए खाना का जानने की कोशिश करते हैं। खाना कैसा लग रहा है दादा? अच्छा लग रहा है। खाना खा के प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा उधर ठीक है ना। वैसा खाना बोल तो हाँ खाना लेना होगा तो ले लीजिएगा उधर से जा करके फिर ठीक है ना। खाना बोला कुछ दादा? नहीं दिन में दिया जाता है सिर्फ। खाना बोला कुछ दादा बोला कुछ मौसी खाना बोल तो केन ब्लॉक अपन कर गुड़बेला ब्लॉक केन पंचायत गुड़बेला चिंचेड़ पंचायत देख रहे कंटिन्यूटी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। केन ब्लॉक अपन कर मौसा गैसलेट बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्या ओ जिन सेवा हो रहा है यहाँ पर कैसा हो रहा है क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ पर पब्लिक का सपोर्ट लेकर के यहाँ पर जो सेवा किया जा रहा है जो लोग हमें फंड दे रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कुछ उड़िया में बोलेंगे कुछ चलिए ठीक है थैंक यू। तो देख रहे कंटिन्यूटी यहाँ पर चल रहा है। आइए मौसी लोगों से बात करते हैं। मौसी खाना कैसा लागू छे? बहुत अच्छा। जिन सेवा हो छे क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ पर सेवा हो रहा है खाना खिलाया जा रहा है लोगों को जो पब्लिक का फंड लेकर किया जा रहा है? हिंदी समाज में नहीं आ रहा है आपको? तो कंटिन्यूटी इधर देख रहे हैं लोग इधर लेडीज लाइन इधर लगा हुआ है इधर लेडीज लाइन इधर जेंट्स का मैनेज किया जा रहा है इधर। क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं आंटी को? घर चलाते हैं ना चावल नहीं चलाते बचने के लिए। हाँ आंटी आज चावल दे रही हैं और बहुत अच्छे से चावल दे रही है। देख आप देख सकते हैं कि चावल थोड़ा सा भी एक भी दाना नीचे नहीं गिर रहा है और यही होना चाहिए क्योंकि खुद सपोर्ट करते हैं खुद इस चलाने के लिए खुद इसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो खुद समझ सकते हैं कि बर्बाद नहीं किया जाए। ऑलरेडी घर चलाते हैं तो पता ही है कि कैसे किया जाता है। और दादा इधर दाल दे रहे हैं। दादा जो यहाँ पर सेवा किया जा रहा है सब पब्लिक का फंड लेकर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है। उड़िया में बोलिए। बहुत खुश लग रहा है। बहुत खुश लग रहा है यहाँ पर दे करके। आंटी कुछ बोल रही हैं। आंटी मन को शांति मिल रही है पब्लिक को खिला करके। दीदी कैसा लगा आज यहाँ पर आकर के हमारे साथ जुड़ करके खाना खिला करके पब्लिक को? अच्छा गर्मी अभी एहसास नहीं हो रहा है। दीदी को गर्मी लग रहा था लेकिन अभी खाना बांट रहे तो गर्मी नहीं लग रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं और कंटिन्यूटी लगे हुए हम लोग सेवा में
और सब यहाँ पर हम लोग मिल करके सेवा करते हैं। अंकल आंटी दीदी जो है, दीदी खाना क्यों फेंक रही हैं? मौसी खाना क्यों फेंक रही हैं? पता है कैसे यहाँ पर खाना, आप सब लोग सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और फिजिकली भी टाइम देने आए हैं। अब खाना फेंक रहे हैं, गवर्नमेंट तो हमें पैसा देता नहीं है कि फेंकेंगे भी तो छोड़ देंगे, इसलिए आंटी कम कम दीजिए खाना, दूसरी बार बोलिए लेने आने के लिए। यहाँ पर देखिए खाना फेंक रहे हैं, सामने फेंक रहे हैं खाना। देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग खाना कोशिश करते हैं कम कम देने के लिए और फिर दूसरी बार या तीसरी बार चौथी बार आ कर लें, लेकिन वेस्ट ना करें खाना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेस्ट ना करें खाना, क्योंकि खाना जो हम लोग यहाँ पर खिलाते हैं वो पब्लिक फंड से खिलाते हैं। पब्लिक बलांगीर के लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के माध्यम से बलांगीर से भी बाहर से भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है हम लोगों को और उसी माध्यम से यहाँ पर हम लोग खाना खिलाते हैं। तो खाना थोड़ा सा ही बर्बाद होगा तो हम लोगों को बुरा लगेगा ही लगेगा, और उसी के वजह से हम लोग बार बार बोलते हैं कि जितना लेना है उतना लीजिए और बस वेस्ट मत कीजिए खाना। तो कंटिन्यूटी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है चल रहा है कंटिन्यूटी, इधर देख सकते हैं, इधर छोड़ देख सकते हैं, इधर लेडीज का लाइन इधर लगा हुआ है लंबा पूरा। खाना केंता लागू है दादा, अपन को वो लागू है केन ब्लॉक दादा, सैतला ब्लॉक, कौन पंचायत, जुराबंद। खाना अच्छा तो जो भी करते हैं पब्लिक के सपोर्ट से करते हैं हम लोग, यहाँ पर गवर्नमेंट का फंड नहीं मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सैतला ब्लॉक से है, सैतला ब्लॉक से भी हमें वहाँ से भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी सरपंच लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, सैतला ब्लॉक हो या आगलपुर ब्लॉक हो या गुड़बेला ब्लॉक हो या मतलब ऑल ब्लॉक जितने भी सारे ब्लॉक हैं सबसे हमें सपोर्ट मिलता है। सरपंच लोग भी सपोर्ट करते हैं और बाकी लोग भी, वहाँ पर BDO ऑफिस हो गया, चेयरमैन ऑफिस हो गया, तहसील ऑफिस हो गया, सब सपोर्ट हमें करते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग खाना यहाँ पर खिलाते हैं। तो बस शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें, थैंक यू। खाना बहुत लागू छ मौसी, देख सकते हैं इधर लोग खाना खा रहे हैं। खाना बोल लगे दादा, खाना बोल लगे केन ब्लॉक, धर्मगढ़, धर्म ये कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, क्लाइन डिस्ट्रिक्ट ना। मौसा खाना बोल तो केन ब्लॉक, पुंतला ब्लॉक, खाना ब्लॉक छे दादा, किन ब्लॉक अपन का, गाइसलेट ब्लॉक। यहाँ पर जो सेवा हो रहा है क्या बोलना चाहेंगे, अच्छा कर रहे हैं। खाना बोला कुछ दादा, दादा उधर डस्टबिन हाथ धोने जाइएगा, उधर फेंकिएगा। मौसा खाना केनता लागू छे, बोल लागू छे खाना खाकर, हाँ चलिए खाना खाकर ना प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा। मौसा डस्टबिन में हाथ धोने जाएंगे उधर, तो डस्टबिन उधर है, ठीक है ना। खाना बहुत लागू छे तो मौसा, खाना बहुत लागू छे, बहुत लागू छे दादा ना, किन ब्लॉक अपन का दादा, तरभा ब्लॉक, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए वहां से भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तरबा के बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, दाल कोई चावल कोई पैसा देकर सपोर्ट करता है, उसी माध्यम से हम लोग खाना यहाँ पर खिला रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक सपोर्ट कर रहा है उसी के माध्यम से पब्लिक को हम लोग खाना खिला रहे हैं। तरबा के भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, बहुत सपोर्टिव पर्सन है तरबा के। खाना केनता लागू छे मौसी, बहुत लागू छे केन ब्लॉक मौसी अपन कर, तरबा आपका ब्लॉक कौन सा मौसी, गुटे। चलिए तरभा के भी लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। हाँ ये पब्लिक फंड से चलता है, तरभा के पब्लिक जो है बहुत सारे शॉप वाले हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और उन और तरभा के लोग, बलांगीर के लोग और भी बाकी ब्लॉक के लोग सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। तो
देख सकते हैं इधर कंटिन्यूटी लोग खा रहे हैं और बहुत लोगों से बातचीत भी करके बहुत अच्छा लगता है। खाना कैन लगा उसे दादा कैन ब्लॉक दादा मुरीबहाल ब्लॉक। बाप रे इतने मुरीबहाल मतलब मुरीबहाल क्या बोला जाए, बहुत बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, सूर्य मित्रा चैरिटेबल फाउंडेशन मित्रा रोटी बैंक में स्वागत है आप लोगों को। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग खाना खिलाने के लिए पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत आज धूप तो ऑलरेडी बहुत पहले से हो रहा है, आज भी बहुत ज़्यादा धूप हुआ है। और इधर धूप के वजह से हम लोग कोशिश किए हैं कि लोगों को छांव में ही खड़ा रखें इधर, और रखे भी हुए हैं इधर, मतलब मैनेज करके 3 लाइन 4 लाइन करके इधर छांव में हम लोग घुमा करके इधर लाइन में किए हैं। इधर लेडीज़ लोगों को कर रहे हैं और खाना खिलाना शुरू कर दिया गया हम लोगों को, देख रहे हैं आप लोग चल रहा है इधर खाना खिलाना हमारा। तो आइए इधर थोड़ा सा खाना का टेस्ट पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं खाना कैसा। खाना कैन लगुच मौसा बहुत लगुच कैन ब्लॉक अपन कर कैन ब्लॉक पुतला खाना बोल तो खाना खाने के बाद प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा, ठीक है ना, इधर उधर मत फेंकिएगा, और लेना होगा तो और लीजिएगा दूसरी बार तीसरी बार, बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग जो करते हैं गवर्नमेंट नहीं देता इसके लिए, पब्लिक से सपोर्ट लेकर करते हैं मौसा, ठीक है ना। और सपोर्ट जो करते हैं वो आते भी हैं, फिजिकली भी सपोर्ट करने के लिए आते हैं, देख ही रहे हैं यहाँ पर फिजिकली लगे हुए खाना खिला रहे हैं सब सर लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, खाना कैंता लगुच दादा भोल लगुच कैन ब्लॉक अपन पैंताला ब्लॉक अपन कभी ना जरा ये देखते हैं खाना दादा कैंता लगुच खाना भोल लगुच खाना खाना भल तो दादा देख रहे हैं कितना धूप हो रहा है, फिर भी हम लोग लाइन तो उधर लगता था पहले, लेकिन अभी हम लोग क्या किए हैं कि इधर ही छांव में कोशिश कर रहे हैं कि सबको छांव में रखे, हाँ छांव में रख के सबको छांव में खाना खिलाया जाए, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबको धूप लगता है ना। तो दादा खाना आज जो कहाँ से हैं आप? खपराखोल ब्लॉक से। खपराखोल ब्लॉक आज जो यहाँ पर खाना दिया जा रहा है मित्रा रोटी बैंक के द्वारा जो कि पब्लिक फंड से चलता है, तो क्या बोलना चाहेंगे उड़िया में? खाना नहीं खाते। क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ पर सेवा किया जा रहा है, क्या उसके लिए बोलना चाहेंगे? अच्छा हो रहा है सेवा? अच्छा है। अच्छा है, चलिए ठीक है, आइए खाना खाइए और बताइएगा खाना कैंता लागू छे। देख रहे हैं कंटिन्यू इधर लाइन हमारा जो है इधर से लाइन किया गया है, तो देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पर लोग खाना अपना ले रहे हैं। और आइटम में क्या क्या है बताना चाहेंगे आप लोगों को, दिखाना चाहेंगे कि आइटम जो है? हाँ, सलाद बोरी नून। तो नून रखा गया, नून तो बहुत यहाँ पर। तो देख रहे हैं इधर खाना चल रहा है कंटिन्यूटी हमारा, और खाना खिलाने के लिए हमारे समलेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस से अंकल आए हैं और चंद्रशेखर स्टोर से दीदी आए हैं, दादा आए हैं, और इधर आंटी भी आई है समलेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस से चावल दे रही हैं, और दादा के माध्यम से दिया जा रहा है दाल, और इधर दीदी के माध्यम से सब्जी दिया जा रहा है, और अंकल के माध्यम से भिंडी और टमाटो का खट्टा दिया जा रहा है, और मैडम के माध्यम से जो है सलाद दिया जा रहा है, और भाई के माध्यम से जो है ट्रायंगल चीज दिया जा रहा है। तो देख रहे हैं इधर कंटिन्यूटी लोग आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं पेशेंट लेकर के जो अटेंड होते हैं उनको खाना खिलाते हैं हम लोग, और इधर छांव में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, लगे हुए कंटिन्यूटी हम लोग सेवा में। खाना कैंता लागू छे मौसा जैन सेवा हो छे, क्या बोलना चाहेंगे सेवा के लिए यहाँ पर? पब्लिक फंड से सारा कुछ किया जाता है, पब्लिक के सपोर्ट से किया जाता है, बोल तो दादा। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहाँ से आप आए हैं? कंटा माझी से।
हम लोग जो यहाँ पर मित्रा रोटी बैंक के द्वारा खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है, ये पब्लिक फंड से चलता है। बलांगीर के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, कोई दाल, कोई चावल, कोई पैसा, इस तरीके से सपोर्ट मिलता है, तब यहाँ पर खाना खिला रहे हैं हम लोग। और फिजिकली भी जो सपोर्ट फाइनेंशियली करते हो, फिजिकली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आए भी हुए हैं। तो जो सेवा यहाँ पर हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे उड़िया में, थोड़ा सा बताइए। बहुत बेहतर है, इधर बहुत बढ़िया, माने हमर जते गरीब रोगी जितना आवेछन बाहर भी अस्टन मेडिकल के, माने समय को लगी ना बहुत, माने खाना जिन दिया जाछ बहुत बढ़िया सेवा होछ, ऐ सेवा ले बहुत समस्त खुशी। चलिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर कंटिन्यूटी लोग खा रहे हैं। दीदी खाना केनता लागु छे? भल लागु छे। भल लागु छे। केन ब्लॉक दीदी? नानी केन ब्लॉक? कलहानी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, धर्मगढ़ ब्लॉक। ओ दादा खाना बोल तो, खाना मौसा बोल, खाना खाइए और बताइए। तो देख रहे हैं इधर इधर लाइन लग रहे हैं लोग, इधर लाइन से लोग आ रहे हैं। खाना केनता लागू छे दादा? बोलाऊ छे मौसी, खाना केनता बोल तो कंटिन्यूटी खाना चल रहा है हमारा। और ये जो कुछ भी होता है पब्लिक फंड से होता है, पब्लिक के सपोर्ट से होता है। यहाँ पर जितने भी सारे बलांगीर के लोग हैं, बलांगीर के लोग हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। और बस चाहेंगे कि लोग इसी तरह जुड़े हम लोगों से, और जुड़ करके हमें सपोर्ट करें, जिससे जो बनता है दाल चावल पैसा, जिससे जो बनता है उसी तरह सपोर्ट करें, और हम लोग यहाँ पर खाना खिलाते रहें। तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुँचाइए कि हमें सपोर्ट मिले और सेवा करने का मौका मिले। थैंक यू। तो नमस्कार, और देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी खाना हम लोग का चल रहा है और लोग खाना खा रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि खाना का टेस्ट कैसा है और कैसा लगा खाना, और यहाँ खा करके खाना केनता लागू छे दादा? बहुत लागू छे। केन ब्लॉक अपन कर? लोसिंगा ब्लॉक। खाना बोल तो, लेना होगा दूसरी बार ले लीजिएगा, और प्लेट को डस्टबिन में फेंकिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा दादा, ठीक है ना। खाना बोल तो दीदी, यहाँ पर और भाई लोग भी खा रहे हैं, दीदी लोग भी खा रहे हैं, थोड़ा सा पूछते हैं कैसे खाना केनता लागू छे दीदी? बोल लागू छे। जो यहाँ पर सेवा किया जा रहा है, पब्लिक का सपोर्ट लेकर किया जा रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट जो है पब्लिक करता है हमें, बलांगीर के लोग सपोर्ट करते हैं, बलांगीर के बाहर के भी लोग सपोर्ट करते हैं, ऑल ब्लॉक से भी सपोर्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पर खाना खिलाने के लिए पब्लिक ही सपोर्ट करता है। तो जो यहाँ पर सेवा हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? पब्लिक जो सपोर्ट कर रहा है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, और जो सेवा हो रहा है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे दादा? मिला है खाना भी ठीक है, सेवा करना सही है। तो जो सेवा हो रहा है अच्छा कर रहे हैं हम लोग ना यहाँ पर, पूरा अच्छा कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और दादा लेना होगा तो और ले लीजिएगा दूसरी बार, बस वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं मौसी खाना केनता लागू छे? बहुत लागू छे खाना। सुनो तो देखिए इधर लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखा सकते हैं आप लोगों को, कि इधर लोग खाना लोग खा रहे हैं, और इधर खाना केनता लागू छे? खाना केनता लागू छे? बोल लागू छे। हाँ तो यहाँ पर लोग जो है सब खाना खा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं लाइन लोग आ रहे हैं कंटिन्यूटी। मौसी खाना केनता लागू छे? मौसी भोल लागू छे। केन ब्लॉक? बिनका। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है बिनका? सोनपुर डिस्ट्रिक्ट। देख रहे हैं सोनपुर डिस्ट्रिक्ट, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कलहांडी डिस्ट्रिक्ट, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आ करके जो यहाँ पर पेशेंट को लेकर के आते हैं, यहाँ पर अटेंड होते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। यहाँ पर लोग खाना खा कर के आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, और सपोर्ट हम लोग कर पाते हैं, कुछ लोगों को भूख मिटा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुअर फैमिली से लोग होते हैं, मीडियम फैमिली से लोग होते हैं, चार दिन, पाँच दिन, दो दिन से आ करके यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि लोग जाकर के बाहर में खाना खा पाए। तो उन लोगों को सेवा करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और कंटिन्यूटी यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, और लेडीज़ का लाइन इधर जो है लगा हुआ है, और इधर जेंट्स का लाइन। तो बस सपोर्ट हमें मिले इसी तरह, और लोग
लोगों को हम लोग सेवा करें, खाना खिलाएं, बस यही चाहेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ये पब्लिक फंड से चलता है, पब्लिक के सपोर्ट से चलता है। पब्लिक जो भी हमें दाल चावल पैसा देता है, उसी वही ले करके हम लोग यहाँ पर खाना खिलाते हैं लोगों को। और अभी हम लोगों का शरबत कैंपेन भी चल रहा है, शरबत भी हम लोग बांट रहे हैं। अभी हम लोग तीन महीना, हर साल तीन महीना गर्मी के मौसम में शरबत हम लोगों का चलता है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट करते हुए, खाना खिलाते हुए, शरबत बांटते हुए, कपड़ा देते हुए, ब्लड देते हुए, या लोगों को कुछ ना कुछ दाल चावल से सपोर्ट करते हुए। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुँचे, और लोग हमें दाल चावल सब्जी जो भी बनता है जिससे पैसा सपोर्ट करे, और हम लोग यहाँ पर खाना अच्छे से खिला पाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दादा का नंबर रखे कि नहीं रखते हैं ना, उनको व्हाट्सएप जाता है जाता है व्हाट्सएप हम लोगों का। हाँ कितना मस्त है ये, हम लोग खाए थे जाने से पहले, हम लोग खाए जब आता है खाना खाते ही आते हम लोग, क्योंकि नहीं हमें भी मोटर लगा है, मोटर लगा है, हम लोग तो खाएंगे भाई। ये बच्चा राति देखी आम खट्टा भोल दीदी, आम खट्टा भी भोल अच्छा। अरे रुके ना करते, अब खुद ही को ही करना पड़ेगा। दादा मैं हाथ धो लिया हूँ, आप थोड़ा उसमें डाल। कुछ हो
अब जल्दी जल्दी पैक करवाइए उसमें। आज बौड़ा यात्रा ना, बौड़ा यात्रा ना, हाँ हाँ। देखिए यहाँ पर हम लोग आज प्रसाद खिलाने के लिए पहुँचे हुए, जो बौड़ा यात्रा के दिन और रथ यात्रा के दिन भी हम लोग प्रसाद दिए थे, और आज बौड़ा यात्रा के दिन भी हम लोग प्रसाद दे रहे हैं यहाँ पर। जो है बौड़ा यात्रा है, बौड़ा यात्रा के प्रसाद जो दिया जा रहा है, और देखिए कितने लाइन से लोग आ रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, सब लाइन मेंटेन करने में लगे हुए हैं लोग, हमारे जितने भी स्टाफ हैं सारे स्टाफ लाइन मेंटेन प्रसाद देने में लगे हुए हैं, और बहुत स्वादिष्ट आज का प्रसाद जो कि आज देख सकते हैं, सूजी हलवा और पूरी दिया जा रहा है, सब लाइन से आ रहे। मौसा उधर से मौसा, और बारिश भी स्टार्ट हो गया यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नमस्कार, सूर्य मित्रा चैरिटेबल फाउंडेशन मित्रा रोटी बैंक में स्वागत है आप लोगों को, और आज बौड़ा यात्रा है 2023 का, और हम लोग प्रसाद खिलाने के लिए पहुँचे हुए हैं, और देख सकते हैं जो कि लाइन में इतने लंबे लाइन में लगे हुए लोग, और बहुत भीड़ है, और आज का जो प्रसाद दिया जा रहा है सूजी हलवा और पूरी दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग इधर लंबा लाइन लगा हुआ है, इधर देख सकते हैं आप लोग कितना लंबा लाइन लगा हुआ है प्रसाद खाने के लिए, और यहाँ पर जो हम लोग प्रसाद दे रहे हैं, और आज बौड़ा यात्रा के दिन बहुत भीड़ है, देख सकते हैं बहुत भीड़ है इधर, और प्रसाद जो दिया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर लंबा लाइन लगा हुआ है, और प्रसाद खाने के लिए लोग लाइन से आ रहे हैं, कतार में आ रहे हैं सब, बहुत हम लोग खुश है इससे, और खुशी मिल रहा है बहुत हम लोगों को कि आज हम लोग बौड़ा यात्रा के दिन भी प्रसाद दे रहे हैं, रथ यात्रा के दिन भी हम लोग प्रसाद यहाँ पर दिए हम लोग, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है आज यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है, और
दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, जो कि प्रसाद लेकर लोग खा रहे हैं और इधर लाइन से सब आ रहे हैं। देखिए इधर लाइन लगा हुआ है प्रसाद खाने के लिए, लंबा लाइन पूरा यहाँ से लेकर गोपाल जी मंदिर तक लगा हुआ है लाइन। प्रसाद भल लगुच तो नमस्कार, सुरु मित्रा चैटल फाउंडेशन मित्रा रोटी बैंक में स्वागत है आप लोगों को। और आज 2023 का भावड़ा यात्रा है, जैसे आप लोगों को पता है कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पर रथ यात्रा के दिन हम लोग प्रसाद खिलाए थे, तो आज भावड़ा यात्रा है, तो भावड़ा यात्रा के शुभ अवसर पर भी हम लोग प्रसाद खिलाने के लिए पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं कंटिन्यू इधर हम लोग लगे हुए हैं सेवा में, और हम लोगों को सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर दे दीजिए प्रसाद, तीन ले लीजिए, तीन एक ही बार। सर आप थोड़ा यहाँ पर लाइन मेंटेन करवा दीजिए, सर प्रसाद देने जा रहे हैं, आप यहाँ पर लाइन मेंटेन करवा दीजिए, तब तक आएंगे। तो देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पर लाइन मेंटेन जो चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और ये प्रसाद 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 ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए सर, प्रसाद दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोग भी आए हुए हैं आज यहाँ पर ड्यूटी में, सब लगे हुए हैं, तो उनको भी प्रसाद दिया गया। और हम लोगों का जो फाउंडेशन है सूर्य मित्रा चैटल फाउंडेशन मित्रा रोटी बैंक, वो हम लोग अपने फाउंडेशन के द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खाना खिलाना, सलाम एरिया रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रोड साइड मंदिर साइड हर जगह जाकर खाना खिलाना, लोगों को सपोर्ट करना, चावल दाल जो भी होता है प्लस कपड़ा से सपोर्ट, कपड़ा भी हम लोग बांटते हैं। और हर पूजा में हम लोग प्रसाद खिलाने के लिए हम लोग पहुँचते हैं, तो आज भावड़ा यात्रा है, रथ यात्रा के दिन भी हम लोग प्रसाद खिलाए थे और आज भावड़ा यात्रा के दिन भी हम लोग प्रसाद खिला रहे हैं, तो बहुत हम लोग खुश हैं प्रसाद खिला करके। और देख सकते हैं इधर प्रसाद सब खा रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है। प्रसाद भल लगुच भाई, प्रसाद भल तो दादा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू सब ड्यूटी में लगे हुए हैं। बोलाओ छे दीदी प्रसाद बोलाओ छे, कंटिन्यू हमारा प्रसाद चल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि आज भावड़ा यात्रा के दिन भी हम लोग प्रसाद रथ यात्रा के दिन खिलाए हम लोग, और भावड़ा यात्रा के दिन भी खिलाए हम लोग, खिला रहे हैं प्रसाद हम लोग। और कंटिन्यू हम लोगों का शरबत कैंपेन चल रहा था, यही बारिश के मौसम बारिश होने लगा, इस वजह से हम लोग जो है प्रसाद हम लोग शरबत अभी देना बंद कर दिया गया अब, और हम लोग प्रसाद इधर देना शुरू कर दिए हैं। कंटिन्यू हम लोगों का चल रहा है प्रसाद देना, इधर लोग बहुत भीड़ है आज जो कि लोग आ रहे हैं भीड़ में।
इधर लोग खाना खा रहे हैं, आइए जानते हैं कि कैसा लग रहा है टेस्ट। पटनागढ़ साइड भी आमे जाएसू, सेनु भी बहुत लोग सपोर्ट करसन। इटा सब पब्लिक सपोर्ट दादा, पब्लिक सपोर्ट रु आमे नै करि खाना देसू। आउ तपे आमे इथिने पचरासु कि केनता लागु छे, बले ऑनलाइन जेन तम नै छि आमे डायरेक्ट पचरामु, बले कम से कम केनता लागु छि कहि पारबो। उधर पूछे उधर कैसा लग रहा है खाना दादा लोगों को। बस खाली एते जे नि के समस्तन तो जेते सपोर्ट रहबा आपन मन के देखी कर आउ जे सपोर्ट तो अच्छे जेते सपोर्ट करा हो जे ना केना सपोर्ट नहीं कराई बारे नि बुझले एटा तो हैना सपोर्ट करा जेबा कहीं करा जेबा खाना एक नंबर बेस्ट हो जे केबे मौका मिले सपोर्ट करबे तो ओके आपन एनी टाइम हैना थैंक यू दादा केना लाउ दादा ठीक है चलो केनो अच्छा बल्ली मार बल्ली मार खाना भल लागु छे भल लागु केबे मौका मिले सपोर्ट करबे तो दादा ठीक है चल नहीं नहीं ठीक ठीक है ठीक है तान लगी आजी दादा जिंदगी तो मैं खाई पा रही हूँ चंदा आओ कितने जोन आसपे समने खाई समने भी इंदर देखो बाहर घूमी कर खाई बोले तो मैं कम से कम देखो शेयर कर बो बोले समने आसी को इन्हें खाना खाए दे आओ जेता बोले लागला कि मोर पाके इतने अच्छे कि मैं सपोर्ट करी पा रही हूँ जहाँ भी हो तो देख सकते हैं सभी लोगों से बातचीत किया गया और यहाँ पर खाने के लिए पूछा गया खाना कैसा लग रहा है और कहाँ से आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा जान करके और पूछ करके हम लोगों को। तो इस वीडियो को आप लोग भी थोड़ा सा शेयर कीजिए कि लोग हमें सपोर्ट करें और जो कुछ भी जिससे बनता है दाल चावल सब्जी पैसा वो हमें मदद करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। समस्या गोटे गोटे नहीं चाहिए।
ठीक अच्छे समस्त गुटे गुटे नहीं जाओ डबल डबल केंदा लगुचे हैं केंदा लगुचे खाना भल लगुचे क्या ना तुमन ना यार देखिर कहो पड़से बड़ा कहो कहाँ केन गाँव आई बाबू नुआपाली नानी हेन के आड़े जो हेन के जो दादा खाना केन लगुस आर खाबे बोले मागी जीबे आर डस्टबिन रे प्लेट पगाबे दादा खाना केन लगुस भल लगुस केन ब्लॉक रही छ बलांगीर आर खाबे बोले नहीं जीबे हला आसुन दादा के पचरामा तरकारी दौन दादा आगर के दौले हेल्प कर दुमास है आसिक दादा हेल्प कर तो बहुत बड़ बहुत खुशी कथा दादा आप नाटा दिलीप महाराणा दादा आसिक दौन हेल्प कर रोटी मित्रा बैंक संगे खाना देवार लगे बहुत भल कथा नमस्कार दादा क्या दादा आपण केन दादा आगुरु केबे आसतिले जा हो धन्यवाद दादा आसी करी लोके साहाय्य करूछन इन अमर सार दौन भात दौन लाइन रे लमीछन भी तो सजा तो लेना पड़ेगा दादा क्या भाई क्या नहीं नहीं आराम से उसको लगे अब उसको दे दो उठा कर दीदी लोग को दीजिए डालने के लिए दीदी निकालो बड़ा वाला से सब आ जाएगा ऊपर आपके ऊपर है तो मेरे ऊपर जिसके नीचे जाएगा किस लिए रखी हाँ
आज ना आज देख रहे हैं कितना पूरी अभी इधर चल रहा है, अभी कितना वहाँ पर हो रहा है। मस्त हो रहा है पूरी ना, पूरी मस्त। बाबू तो ना कहना तो ना केनु आसीजु बरकानी दु खाना केनता लाउजे भल लाउजे तो वर्षा हला न वर्षा हला साइड साइड के जाऊन जाओ वर्षा होचे लोग फिर भी खाना लागि लाइन लमी छन किछ प्रॉब्लम नाही। डालिए बाल्टी में डालिए, कोई इशू नहीं। पहुंच नहीं पा रहा कैसे, मतलब भारत कैसे ना इतना, मतलब सोचिए स्कीम की कमी नहीं है इंडिया तक पहुंचने के पास, तब पर भी पहुंच नहीं पा रहा। खर्चा इधर हो जाएगा, उसको खर्चा कर दिया जाएगा, लेकिन इंडिया में 20% जनसंख्या 140 करोड़ का 20% कितना हुआ, यानी कि अभी भी 28 करोड़ के पास नहीं है।